हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं धीर मंच की जो नई वीडियो आई है, दैट इज इंस्टाग्राम रील्स रोस्टेड बाय नेहा धुपिया। ओके, तो चांद का टुकड़ा। ओके, तो ये कुछ मतलब अलग ही टाइप ऑफ वी कैन से, तो रोस्टेड बाय नेहा धुपिया मैम। ओके ठीक है, तो मतलब कुछ नया इन दो, हमने कभी हमारे नेहा धुपिया मैम का मतलब रोस्ट नहीं देखा। हालांकि उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कुफ थे, लेकिन कोई बात नहीं। आज तो मतलब रोस्ट बाय धीरू मंचिक, मतलब कमेंट्री वीडियो वी कैन से बाय हिम। तो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। Hey guys, that's me, Kabutar Manche. Last video में हुआ था। गली और मटक गली। ओए। कार में डाल लियो क्या? Hey guys, that's me. तिरुमोंचिक जिंदा yeah. है भाई, मजाक कर ली। ये रही सी, चलो बेटा निकला यहाँ से। हाँ, ये जो कबूतर था पिछली वीडियो में एडिट किया था, सब लोग बोलने लगे धीरू भाई कबूतर पाल लिया क्या, कबूतर पाल लिया क्या। अपना ख्याल रखे नहीं जा रहा भाई, कबूतर तो तब पालेंगे, हफ्ते बाद जाके तबीयत ठीक हुई है मेरी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। और चोट भी लग गई थी मेरे हल्की सी। कैसे कहाँ गिर गए थे भैया? अभी मैं एकदम बेस्ट हूँ। भैया कभी ना कभी तुमने किसी आसिक के चौधे के मुँह से ये बात जरूर सुनी होगी की जाने मन मैं वो चांद तुम्हारे लिए जमीन पे तोड़ के ला सकता हूँ। भैया क्या कहते हैं, एक सीरियल वालों ने इस बात को एकदम दिल पे ले लिया और बकचोदी पेल दिया। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? अरे दीदी पागल वागल हो गई हो क्या? अबे चांद है वो कोई आम का पेड़ थोड़ी है जो रस्सी बांध के खींच देगा कोई। वही तो यह तो कर रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नाइस भाई नाइस, बहुत नाइस। साले सबके सब मिलके चांद के साथ टक ऑफ वॉर खेलने लगे हैं ये। और साले वंडर वुमन की रस्सी कौन चुरा के लेके आया बे? और भयंकर रस्सी लाया तो लाया, ये बताओ ये साला चांद में रस्सी बांध के कौन आया, कौन सा वाला है ये? क्या ढूंढ रहे? लॉजिक कहाँ है? लॉजिक मुझे ये बताओ तुम। दोस्तों अगर तुम्हें ये चीजें गलती से भी अभी तक नॉर्मल लग रही हो तो अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख के भयंकर तुम कुछ नहीं भयंकर देख लो पहले। तो दोस्तों ये क्लिप देखने के बाद नासा वालों की गाड़ से खून बह रहा है एकदम नदी की तरह। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता ये एक्टर लोग तैयार कैसे हो जाते हैं ऐसी बकचोदी काटने के लिए। और है भाई का तुम टैलेंट देख रहे हो, जाके साला जैसी चांद के टुकड़े तोड़ा है घर के आगे आगे गिरा है ठीक। इतनी एक्यूरेसी से तो मेरे शहर के जो है पुलिस वाले गाड़ नहीं तोड़ता जितनी एक्यूरेसी से इन्हें चांद तोड़ दिया। बाकी भाई ये सारी की सारी जो बकैती है ना सीरियल्स में अच्छी लगती है। मैं ना सिर्फ दूसरे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे लिए आसमान में से चांद तोड़ के लेके आएगा। चांद क्या कहना चाह रहा है? कुछ नहीं पीछे देख छिपकली है। चांद चाहिए, चांद चांद चाहिए बहन की। कमर तोड़ दी लड़ने की चांद चाहिए ना चांद। Guys, तुम्हें वाली दीदी याद है? It's her choice वाली। It's her choice. तो अभी उन्होंने अपने ज्ञान के समुद्र में से एक छोटा सा ज्ञान बांटा है, आओ उस पे नजर डालते हैं। यार कैसे कर लेते हो यार तुम सब? I can't do it. बार बार वही गाने पे वही स्टेप, इसको कंटेंट कहते हो? मतलब कुछ भी करोगे दीदी? सबसे पहले तो अपना पंखा बंद करो, भयंकर नॉइस आ रहा बहुत तेज। तुमने प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो शूट कर लिया लेकिन तुमसे पंखा बंद नहीं हुआ अपना। माय इश्यू विद ऑल द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, अगर कंटेंट क्रिएट करना है ना तो कुछ ओरिजिनल करो, कुछ नया करो। अदरवाइज रिमेंबर वन थिंग, You are wasting internet. Content create नहीं हो रहा तुमसे। असली content पता है कहाँ create होता है? Roadies में create होता है असली content। बहुत भयंकर असली। एक तो भयंकर हर कोई साला मुंह उठा के ज्ञान पे ले जाता सोशल मीडिया पे। सबसे पहले जो तुमने एग्जांपल दिया वही गलत है। डांसिंग सिंगिंग जो टैलेंट होता है इसे एज अ कंटेंट भी कंसीडर करते हैं। यार कैसे कर लेते हो यार तुम सब?
आई कांट डू इट. मतलब इनका ये कहना है कि बहन जो हमारे बस की तो करना है नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देंगे, बैठो चुपचाप बैठो, कुछ मत करो. बार बार वही गाने पे वही स्टेप. अरे दीदी वो चैलेंज है, डोंट ट्रस्ट चैलेंज. अगर उस पे एक कोरियोग्राफी का चैलेंज है तो वो वही तो करेंगे लोग, उसके जैसा ही तो करेंगे. यार बच्चों का मन है जो उन्हें करना है करने दो. तुम्हारी तरह आप जाके बहन जो ऐसे 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 स्विमिंग पूल के किनारे पे जाके उछल उछल के फोटो डाल तो नहीं सकते हैं, कॉन्टेंट तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं. दिस इज रियल कॉन्टेंट. या फिर ऐसा मालदीव के समुद्र में घुस के फोटो तो नहीं खींच कर डाल सकते भाई, इतना इतना पैसा नहीं है बालकों के पास. दिस इज रियल कॉन्टेंट गाइज, दिस इज रियल कॉन्टेंट. हैशटैग कॉन्टेंट इज डेड. दीदी व्हाट इज दिस बिहेवियर, अभी 26 हफ्ते पहले आके तुम इंस्टाग्राम पे नाच के गई हो. नाइस नाइस. और अभी एक हफ्ते पहले आके तुम एकदम ज्ञान पेल रो मस्त कॉन्टेंट इज डेड करके. कंटेंट क्रिएटर बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इधर उधर नजर तो घुमाओ थोड़ी सी, भयंकर ज्ञान पेलने आ जाता है. पहले खुद अच्छा कुछ क्रिएट करके दिखाओ, फिर आके लोगों को ज्ञान दो. ठीक है दोस्तों, सारी बकैती साइड हटाते हैं और मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं. तो दोस्तों तुमने अभी तक देखे होंगे ब्राउन मुंडे, लेकिन अभी तुम देखने वाले हो सिल्वर मुंडे. अरे हर होली पे ये सिल्वर मुंडे. देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाबा इलायची का पैकेट खोल के फाड़ के फेंक दिया और दाने भी करते फिर रहा हूँ उसमें से. अरे रे रे रे. भयंकर इस बच्चे की भी फटके चुबारा हो गई है भाई. ये कह रहा है ये क्या देख लिया भाई मैंने. गाइस अभी तुम देखने वाले हो ऋतिक भैया का एक अनोखा टैलेंट जो कि आज तक दुनिया से छुपा हुआ था. ये क्या था भैया? ओ भाई पूरा गला खा गया वो एक बार में. तो गाइस ऋतिक भैया से अक्सर पूछा जाता है कि तुम्हारी ब्यूटी का, तुम्हारी जवानी का राज क्या है. तो आज पता लग चुका है, बड़े बड़े केले हैं इनकी जवानी और ब्यूटी का राज. नहीं यार आइला जादू सीखा भाई रोहित ने, समझे. अगर कहीं ये वीडियो देख के तुम ट्राई ना करने लगना पूरा केला खाने की, साला गला चौक हो जाएगा, फटके चौबारा हो जाएगी. ठीक है हो गया आज का गाइस, आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं. ठीक कुछ नहीं बोल रहे हम, बस ये इसे देख के हमारी गांड चल रही है. यहाँ साला गाड़ी में तेल लगवाने के पैसे नहीं है और ये पेट्रोल से नहा रहा है भाई. नाइस. नहीं यार मैं मान ही नहीं सकता है पेट्रोल होगा साला, ये मुता हुआ इन्होंने इसके अंदर फिर जाके नहा रहा होगा ये. सो गाइस चलो वीडियो में इधर ही खत्म करते हैं. तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना. ठीक है इस वीडियो पे कैसा लगा और क्या अच्छा लगा. और ठीक है मैं काफी ज्यादा बीमार था तो कमजोर वमजोर हो गया और मुझे एकदम तगड़ी सी बॉडी बनानी है, तो मुझे एक नया नुस्खा पता लगा है रमेश राज पुरोहित हेल्थ एंड फिटनेस से कि विमल खाओ और बॉडी बनाओ भयंकर तगड़ी एकदम. अब मैं खूब सारे विमल के पैकेट ला रहा हूँ और प्रोटीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ विमल खाऊंगा बॉडी. बहन जो विमल उसके हाथ में पकड़ा भी रखा है ऐसे करके. वाह भाई वाह, तुम तो फोटोशॉप के बादशाह हो भाई. ये सच में लास्ट वाला ये क्या ही था भैया, मतलब तंदुरुस्त विमल खाओ तंदुरुस्त हो जाए, दिस इज नॉट द सीन. लेकिन ये वाला जो नेहा दुबे मैम का जो था इसके पहले जो मतलब आई डिडंट नो दैट उनको मतलब शी इज पोस्टिंग सच कॉन्टेंट्स, मतलब जस्ट कॉन्टेंट ऐसा ना सच वीडियो ऐसा बोलते थे. पहली बार ही देखा है. आई हैव नेवर बीन टू हर इंस्टाग्राम, कभी भी मैं उनके इंस्टाग्राम पे लाइक विजिट नहीं किया. लेकिन अभी धीरू के बाद ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा डोरेमोन वाले पोस्ट देखने को मिलेंगे, है ना. व्हाटएवर आज तो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.